नारियल के खुरचन, चुटकी भर जायफल, इलायची, थोड़ा सा गुड़ और भाप में पके हुए व्यंजन का बेमिसाल स्वाद। अगर आपको भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में पैदा होने का सौभाग्य मिला है तो आप पूरे साल इस स्वाद का इंतजार करना नहीं भूलेंगे। पेश है मोदक इतिहास की थाली से। पारंपरिक मोदक भाप में पकाया जाता है, जिसे महाराष्ट्र में उकड़ीचे मोदक कहा जाता है। मोदक थोड़ा फुर्सत का काम है, मगर यकीन मानिए अपना बेशकीमती समय लगाकर आप निराश नहीं होंगे। चावल के आटे को हाथ से चपटा किया जाता है, ना के बेलन से। गुड़ और नारियल भरने के बाद बेहतरीन मोदक बनाने की तरकीब इस बात पे निर्भर करती है कि आटे की लोई को कितनी परतों में मोड़ा गया है। फिर उन्हें भाप में पकाकर छोटी छोटी स्वाद भरी मोदक पोटलियां हो जाती हैं तैयार। लेकिन मोदक का जन्म कब और कैसे हुआ? इतिहासकारों की माने तो मोदक शब्द का उल्लेख महाभारत और सुश्रुत संहिता में पहली बार हुआ है। मोदक के चाहने वाले कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मोदक पसंद है हमारे दामोदर को, यानी कि गणेश भगवान, जिन्हें मोदक प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। और गणेश चतुर्थी के दौरान 21 मोदकों का भोग लगाकर पूजा का समर्पण होता है। लेकिन गणेश भगवान मोदक प्रिय हैं क्यों? एक कहानी बड़ी पुरानी मुझे सुनाती मेरी नानी। आए सारे देवगण दिन एक, दर्शन हेतु देवों के देव साथ में लाए मोदक दिव्य, जिसको खाने से बनते सर्व प्रधान, क्योंकि कला और लेखन का मिलता गया। ये बात सुनकर माता पार्वती ने सोचा कि वो अपने दोनों बच्चों यानी कि गणेश और कार्तिकेय में मोदक को बराबर बांट देंगी। लेकिन क्या बच्चे इतनी आसानी से बात मानते हैं कभी? बच्चे दोनों अड़ गए शिव के, मोदक चाहे बस अपने बस में। माँ पार्वती ने एक हल खोज निकाला, पृथ्वी चक्कर का फिर प्रयोग कर डाला। शर्त सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठे और धरती के चक्कर लगाने निकल पड़े। लेकिन देखो गणेश की ओर, लगाते चक्कर माँ पिता के चारों ओर। धरती से बड़ी माँ को माना और आकाश से ऊंचा पिता को जाना। मारे फटाफट चक्कर तीन आए प्रतियोगिता में सबसे प्रवीण। तो इस तरह गणपति बन गए सारी कलाओं और लेखन के कर्ता धर्ता, और मोदक बन गया उनका पसंदीदा मिष्ठान। गौर से देखें तो मोदक गुड़ और नारियल की जुगलबंदी है, जिसने एक साधारण से मिश्रण को इतना लोकप्रिय बनाया। वैसे नारियल की बात करें तो ये अनोखा फल हर पकवान में अपना ही एक खास रंग डाल देता है। फिर बात करी की हो या मिठाई की, और आज से नहीं सदियों से ये फल दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए है। खाने में ना सही, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नारियल शायद इंसान से भी बहुत पहले धरती पे जन्मा था। विश्वास नहीं होता, लेकिन ये सच है कि नारियल के पेड़ के 200 लाख साल पुराने फॉसिल्स पाए गए हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अंदाजा लगाएं कि कौन नारियल को भारत लेके आया, बड़े समय तक पानी में रहना नारियल जी की आदत थी। इसी वजह से तैर तैर कर उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। होते हुए समुद्र दक्षिण वो पहुँचे भारत के छोर, गहरी जड़ें अपनी फिर डाली, किया रुख भारतीय पकवानों की ओर। गौर फरमाइए कि नारियल का अंग्रेजी नाम यानी कि कोकोनट स्पेनिश या पुर्तगाली शब्द कोको से जन्मा है। प्रकृतिवादी मिस्टर गार्शिया दी ओर्टा ने तकरीबन 16वीं सदी में ये बात बताई कि कोको शब्द का अर्थ होता है बंदर का चेहरा। अब सोचने वाली बात ये है कि 13वीं सदी के शुरुआत में इब्ने बतूता ने एक अनोखे फल का वर्णन किया था, जो कि आदमी के सर की तरह दिखता था। इसके आंख की जगह दो और मुंह की जगह एक निशान बना हुआ था। क्या ऐसा तो नहीं कि बतूता साहब नारियल यानी के कोकोनट की ही बात कर रहे थे? ये बंदर के सर जैसा आकार या नारियल के संबंध में कुछ और आगे जाएं तो हमें पता चलता है कि वैदिक समय में सिंदूर लगे नारियल को पशु बलि की जगह प्रयोग किया जाने लगा था। वाह, बड़ा दिलचस्प किस्सा है नारियल का, और उतना ही दिलचस्प है नारियल का स्वाद, जो कि नरम चावल के आटे की पोटली में भरे हुए मोदक के स्वाद को चार चांद लगा देता है। और फिर गर्मा गर्म मोदक घी के साथ खाइए। भोजन क्या, कोई भी माहौल खुशगवार हो जाएगा।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.